बीकेपी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सियासी हलकों में चर्चा है कि विजयादशमी के मौके पर उद्धव गुट के करीब 15 नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जंग के लिए 27 सितंबर अहम दिन साबित हो सकता है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आदित्य को अपनी उम्र का ध्यान रखने की सलाह दी है। तो उधर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव करीब आते ही मेल मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है। इसी कड़ी में शिंदे और राज ठाकरे की हफ्ते भर में 2 बार मुलाकात हुई है। इसी बीच अंबरनाथ में टीवी रिमोट को लेकर सास बहू का झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मामला थाने पहुंच गया और केस भी दर्ज हो गया। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही रस्साकशी अब और तेज होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच असली शिवसेना के दावे के बाद शिवाजी पार्क दशहरा रैली करने को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा है कि विजयादशमी के मौके पर उद्धव गुट के करीब 15 नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ सकते हैं। इन नेताओं में 1 सांसद, 2 विधायक और लगभग 5 पूर्व पार्षद शामिल है। इसके अलावा कुछ और नेता तो विभिन्न निगमों पर पदासीन है या किसी और पद पर है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट ने तो उद्धव ठाकरे खेमे को विजयादशमी की रैली संबोधित करने से रोकने के लिए पूरी फील्डिंग सजा ली है। कहा जा रहा है कि किसी को भी शिवाजी पार्क में रैली न करने देने पर भी विचार हो रहा है। इसके तहत शिवाजी पार्क को फ्रीज किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर बाला साहेब ठाकरे के दौर से चली आ रही परंपरा टूट जाएंगी। 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी और तब से ही दशहरे की रैली उसका सबसे बड़ा आयोजन रहा है। हर साल आयोजित होने वाली इस रैली में पूरे में महाराष्ट्र से शिवसैनिकों का जमावड़ा लगता रहा है। यदि विधायक टूटते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे खेमे में विधायकों की संख्या 42 से 43 हो सकती है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के कई नेताओं को तोड़ने के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश उनके करीबी नेताओं को भी अपने पाले में लाने की है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जंग के लिए 27 सितंबर अहम दिन साबित हो सकता है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। कहा जा रहा था कि बुधवार को ही इन याचिकाओं को लेकर न्यायालय सुनवाई कर सकता है। शिंदे कैंप के वकील नीरज किशन कौल की तरफ से मामले में तात्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। खास बात यह है कि इससे पहले 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से 25 अगस्त को सुनवाई की जानी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आगामी बीएमसी चुनाव के लिए लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 50 विधायकों का समर्थन हासिल कर चुके शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा था। इसके बाद ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से शिंदे को सरकार के लिए बुलाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। साथ ही ठाकरे कैंप ने शिंदे का समर्थन कर रहे विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग भी की थी। शिंदे कैंप की तरफ से असली शिवसेना की मान्यता पाने के लिए आवेदन किया गया था। इस पर शीर्ष न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर आवेदन पर फैसले नहीं करने के आदेश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बागी विधायकों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आदित्य को अपनी उम्र का ध्यान रखने की सलाह दी है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के विद्रोह के कारणों को लेकर भी चर्चा की। महा विकास आघाड़ी सरकार में आदित्य मंत्री रह चुके हैं, वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे। महा विकास आघाड़ी की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को धोखेबाज और पीठ में छुरा खोपने वाला कहने वाले आदित्य और उनके पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे तीखी टिप्पणी करने से हमेशा बचते नजर आए हैं। हालांकि एक चैनल से बात करते हुए शिंदे ने आदित्य पर निशाना साधा। शिंदे से जब बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे द्वारा धोखेबाज कहने जाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उन्हें अपनी उम्र मालूम होनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ भी है वह स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और उनके विचारों की वजह से है, लेकिन वह और अन्य लोग सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से दूर हो गए हैं, जिससे हमें यह कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सीएम के अलावा शिंदे कैंप के विधायक पहले ही आदित्य के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव करीब आते ही मेल मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की मुलाकात हुई। बता दें कि हफ्ते भर में दोनों के बीच यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच 1 सितंबर को मुलाकात हुई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि 1 सितंबर को दोनों की मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा प्रस्तावित था। वही इस बार दोनों की मुलाकात तब हुई जब अमित शाह महाराष्ट्र में वापस लौट चुके हैं। उधर यहाँ पर बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन मुलाकातों के केंद्र में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी यह सामने नहीं आया है कि इस मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच क्या बातें हुई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले गठजोड़ को लेकर खिचड़ी पकी होगी। बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले जब शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी तब राज ने इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया था। हालांकि अब अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से तत्काल बाद जब फिर से दोनों की मुलाकात हुई है तो इसको लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव वर्चस्व की लड़ाई में तस्दील होता जा रहा है और शिवसेना अपने गढ़ को किसी भी तरह बरकरार रखने की जदोजहद कर रही है। अंबरनाथ में टीवी रिमोट को लेकर सास बहू का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मामला थाने पहुंच गया और केस भी दर्ज हो गया। 32 साल की विजया कुलकर्णी अंबरनाथ के गंगागिरी अपार्टमेंट में अपने पति और सास के साथ रहती है। विजया की सास रुशाली कुलकर्णी ने बहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। शिवाजीनगर थाने के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वे दोनों आपस में अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ा करती है। एक ही समय में अलग अलग काम करने को लेकर अक्सर उनके बीच झगड़ा हो जाता है। रुशाली ने अपनी शिकायत में बताया कि गणेशोत्सव की शुरुआत से ही उनको बहू के साथ टीवी देखने को लेकर झगड़ा हो रहा है। रुशाली का कहना है कि जब वह पूजा करने लगती है तभी उनकी बहू विजया टीवी ऑन कर लेती है। सोमवार की शाम जब विजया ने अपना पूजा पाठ निपटा लिया तो वह टीवी ऑन करके बैठ गई। तभी उनकी सास रुशाली पूजा करने लगी। टीवी की आवाज से उन्हें डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उन्होंने जाकर विजया के हाथ से रिमोट ले लिया और टीवी बंद कर दिया। रुशाली ने टीवी बंद किया और बहू ने फिर से ऑन कर लिया। इस तरह जब तीसरी बार रुशाली रिमोट लेने आई तो विजया ने उनका हाथ पकड़ा और उंगली पर दो बार काट लिया। जब विजया के पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वह भी उनसे भी भिड़ पड़ी। वह सास और पति पर टूट पड़ी। इसके बाद रुशाली थाने पहुंची और बहू के खिलाफ काटने और प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर लातेहार जिला से सटे बूढ़ा पहाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 106 से अधिक अलग अलग लैंड माइंस को निष्क्रिय किया है। गंभीर बात यह है कि माओवादियों के बंकर से जो विस्फोटक बरामद हुआ है उनमें अधिकांश चाइनीज विस्फोटक है। तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आप नेताओं को भेजे कानूनी नोटिस को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पढ़कर फेंक दिया। वही बिहार के सिवान में पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारने के बाद अपराधियों ने राजधानी पटना में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया है। तो उधर दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों पर बैन को बढ़ा दिया है। ये बैन 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क को मुंह से हटाए बिना चरणामृत पीने लगे। देशभर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के छापों के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया है। ट्रंप ने एक ताज़ा वीडियो जारी करके कहा कि हम एक देश के रूप में महापतन की ओर बढ़ रहे हैं और फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस समय महंगाई 40 साल रिकॉर्ड स्तर पर है। हमारा देश अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहा और हम सऊदी अरब और वेनेजुएला के सामने भीख मांग रहे हैं। हमने एक देश के रूप में अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया और 85 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियार छोड़कर चले आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहां फेक न्यूज़ फैल रहा है और स्वतंत्र प्रेस नहीं रहा। अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच गई है। अमेरिका में अपराध इतना बढ़ रहा है जितना पहले कभी नहीं था। एक देश में हम ईरान परमाणु बम बनाने की अनुमति दे रहे हैं। उनके शासनकाल की तुलना में कोरोना से ज़्यादा लोग अब मर रहे हैं। चीन ने खरबों डॉलर अमेरिका से लिए और उससे अपनी सेना का निर्माण कर रहा है ताकि हमें चुनौती दी जा सके। दुनिया में हमें सुना नहीं जा रहा है और सम्मान नहीं रहा। रूस यूक्रेन में हमले कर रहा है। अमेरिका की शिक्षण व्यवस्था बर्बाद हो गई है। हमारा देश कई तरह से एक मजाक बनकर रह गया है। इससे पहले ट्रंप ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को फांसीवादी करार दिया था। पाकिस्तान समर्थक तुर्की ने एक बार फिर से भारत को लेकर जहरीला बयान दिया है। यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक तबाही मचाने वाले बायरक्तार हमलावर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO
फालूक बायरक्तार ने ऐलान किया है कि वे दक्षिण एशिया में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को ये किलर ड्रोन देंगे। फालूक बायरक्तार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद है और देश में ड्रोन क्रांति के जनक माने जाते हैं। तुर्की के बायरक्तार ड्रोन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि इसकी 3 साल की वेटिंग हो गई है। एक इंटरव्यू में फालूक बायरक्तार ने कहा कि TB2 जैसे ड्रोन विमान जमीनी युद्ध के साथ नौसैनिक युद्ध में बहुत कारगर है। हथियारों से लैस ये ड्रोन विमान भविष्य में होने वाली हर जंग में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग भी शामिल है। फालूक ने कहा, अब ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी युद्ध बिना ड्रोन विमान के हो। उन्होंने दावा किया कि जो देश अब ड्रोन तकनीक में महारत हासिल नहीं करेगा वो भविष्य में होने वाली जंग में हार जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि चीन में बने ड्रोन विमान चीन के एक पड़ोसी देश के पास है। ये विमान जब चीन की सीमा के पास भेजे गए तो वे अचानक से अपने आप ही पीछे लौट गए और चीनी सीमा में नहीं घुसे। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि बायरक्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन की नौसेना में भी सफल साबित हुए हैं और रूस पर जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 6 महीने बीत चुके हैं और अभी भी रूसी सेना यूक्रेन में लड़ाई कर ही रही है, लेकिन युद्ध के मैदान से निकलने वाली कहानियां भी अजब गजब है। ऐसे ही एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है जब एक बूढ़े शख्स ने अपने शिकार करने वाले राइफल से रूसी फाइटर जेट विमान को उड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स ने अपने राइफल से रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है वो रिटायर्ड और पेंशन भोगी है और उन्होंने अपने शिकार करने वाले राइफल से रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है जो काफी खतरनाक माना जाता है। जिस फाइटर जेट को उड़ाया गया है वो SU-35 रूसी लड़ाकू जेट विमान है जिसकी कीमत $74 मिलियन यानी करीब 6 अरब 84 करोड़ के आसपास है और इस फाइटर जेट के जरिए रूस अब तक यूक्रेन में भारी तबाही मचा चुका है। पेंशन भोगी ने कथित तौर पर पिछले महीने चेन्नई हाई में अपने घर की छत पर खड़े होकर अपनी राइफल से सुपरसोनिक जेट को नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका पहला निशाना चूक गया लेकिन उन्होंने दूसरी बार सटीक निशाना लगाया तो गोली सीधे फाइटर जेट से टकरा गई और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और आगे जाकर रूसी फाइटर जेट जमीन पर टकरा गया। घटना के बाद पेंशन भोगी को मेडल से सम्मानित किया गया। वही यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर सर्विस ने उन्हें देश का हीरो बताते हुए उन्हें राज्य की सीमा की सुरक्षा में सहायता के लिए पुरस्कृत किया है। भारी बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है जिससे मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। अगर इसी तरह की बाढ़ का कहर जारी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पुरातत्व का ये खजाना एक बार फिर से जमीन के नीचे समा जाए। ऐतिहासिक खंडहर के कई इलाके सीवरेज नाले बाढ़ के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिंधु नदी पर बने ज्यादातर बांध अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और उनके ऊपर से पानी बह रहा है। मोहनजोदड़ो में आई बाढ़ से गलियों का हिस्सा एक बार फिर से मिट्टी से पट गया, कई दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वही पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कहा है कि अगर इस अमूल्य धरोहर के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसे विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। प्रशासन ने यहां पर्यटकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो एक पुरातत्विक स्थल है। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला होता है। इस शहर को प्राचीन काल में लोगों ने बहुत सोच समझ कर बसाया था। इसके आगे आज के अच्छे अच्छे महानगर भी फेल है। 1921 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो को लगभग 5000 साल पुराना शहर माना जाता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पिछले 6 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से अब रूसी हथियार भंडार खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। लिहाजा अब रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया से कई खतरनाक हथियार खरीदने का फैसला किया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूसी रक्षा मंत्रालय उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट और तोपखाने के गोले खरीदने की प्रक्रिया में है। पिछले महीने ही उत्तर कोरिया ने कहा था कि रूस ने उसे दोस्ती को मजबूत बनाने का ऑफर दिया है जिसमें सैन्य संबंध स्थापित करने की भी बात कही गई है। रूस पहले भी कई बार उत्तर कोरिया का समर्थन कर चुका है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में उसका बचाव कर चुका है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था और रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका की निंदा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि अगर रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों का विस्तार होता है तो ये दोनों देशों के लिए हितकारी होगा और कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
जवाब में किम जोंग उन ने भी पुतिन को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत के साथ रूसी उत्तर कोरियाई दोस्ती फर्जी थी जिसने कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के छापों के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया है। तो यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक तबाही मचाने वाले बायरक्तार हमलावर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ हालुक बायरक्तार ने ऐलान किया है कि वे दक्षिण एशिया में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को ये किलर ड्रोन देंगे। वहीं यूक्रेन के एक बूढ़े शख्स ने अपने शिकार करने वाले राइफल से रूसी फाइटर जेट विमान को उड़ा दिया। तो उधर भारी बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है जिससे मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। इस बीच यूक्रेन युद्ध की वजह से अब रूसी हथियार भंडार खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, लिहाजा अब रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया से कई खतरनाक हथियार खरीदने का फैसला किया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर लातेहार जिला से सटे बूढ़ा पहाड़ इलाके से माओवादियों के सफाई के लिए झारखंड पुलिस और अर्धसैन्य बलों की ओर से साझा अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के 106 से अधिक अलग अलग लैंड माइंस को निष्क्रिय किया गया। इसमें सिलेंडर बम, प्रेशर कुकर बम, केन बम और टिफिन बम शामिल है। सबसे गंभीर बात यह है कि माओवादियों के बंकर से जो विस्फोटक बरामद हुआ है उनमें अधिकांश चाइनीज विस्फोटक है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि नक्सलियों के पास इतनी संख्या में चाइनीज बम कहां से आए। बरामद विस्फोटक सामग्रियों में 10 किलो का 2 सिलेंडर, 3 किलोग्राम का 11 लैंडमाइन, 2 किलोग्राम का 7 लैंडमाइन और 1 किलोग्राम का 6 लैंडमाइन, 5 टिफिन बम, 1 प्रेशर कुकर बम, 25 तीर बम, 1 चाइनीज सिलेंडर ग्रेनेड, 35 चाइनीज ग्रेनेड, 3 चाइनीज कोन ग्रेनेड, 2 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 2 किलोग्राम यूरिया, अर्धनिर्मित बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ड्रिल मशीन समेत अन्य सामान शामिल है। लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल चारों ओर से घेराबंदी कर छापेमारी कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस को ये सफलता मिली है। नक्सलियों के पास चाइनीज बम कहां से आए इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा इलाका नक्सलियों से खाली न हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम उपराज्यपाल के बीच लड़ाई हर रोज बढ़ती ही जा रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आप नेताओं को भेजे कानूनी नोटिस को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने फाड़कर फेंक दिया। कुछ ऐसा ही 2013 में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के दागी नेताओं को चुनाव लड़ने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। राहुल की इस प्रतिक्रिया पर काफी बवाल मचा था। अब संजय की इस हरकत पर भी बवाल मचना तय माना जा रहा है। उपराज्यपाल ने आप नेताओं पर उनके खिलाफ झूठ बोलने और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर नोटिस भेजा था और 48 घंटे के अंदर आप नेताओं से जवाब मांगा था। संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में एलजी के नोटिस को फाड़कर फेंक दिया। संजय सिंह ने कहा कि किसी चोर भ्रष्ट आदमी के नोटिस भेजने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसी नोटिस को फाड़ कर फेंक रहा हूँ, ऐसी नोटिस को 10 बार फाड़ कर मैं फेंकता हूँ। तुम अगर सोचते हो कि तुम लूट करोगे, भ्रष्टाचार करोगे और तुम्हारे भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के बीच दबा दोगे तो ये संभव नहीं है। मैं देश का सर्वोच्च सदन का सदस्य हूँ। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2016 के पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर कोई पेमेंट कैश से नहीं होगी के बावजूद 2017 में विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता वाले खादी कमीशन के निदेशक ने कैश पेमेंट को 2017 तक जारी रखा। खादी के सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने कोर्ट के आदेश के अवहेलना पर सवाल उठाए थे। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की इच्छा लेकर बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं, वो दिल्ली की यात्रा पर है। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रात में पीएमसीएच का दौरा करते हैं, अधिकारियों को डांट लगाते हैं। वहीं तीसरी ओर बिहार में अपराधी भी एक्शन में है। उन्होंने भी सिवान में पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारकर और राजधानी पटना में डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर अपना भी एक्शन प्लान बता दिया है। राजधानी पटना सिटी के शीतला माता मंदिर के पास अपराधियों ने दो युवकों को मार दिया। दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मामला बाईपास थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास का है जहां अपराधियों ने दो युवकों को गोली मार दी है। इसमें दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बारे में जो बातें छन कर आई है वो ये है कि दोनों युवक कंकड़बाग से पटना सिटी दादर मंडी के लिए लौट रहे थे।
तभी अगम कुआ के शीतला मंदिर के पास घात लगाए अपराधियों ने दोनों युवकों को सिर में गोली मार दी। एक युवक की पहचान चंदन के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। मृतक जमीन का कारोबारी था। हत्याकांड आबकारी जमीन के चलते अंजाम दी गई है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पटाखों पर बैन को बढ़ा दिया है। ये बैन 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। राज्य के मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। पिछले साल भी सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था, इस बार भी इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा है कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। गौरतलब है कि दिवाली के समय पटाखों के कारण जबरदस्त प्रदूषण फैल जाता है, जिसके कारण सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। इसके अलावा करीब एक सप्ताह तक राजधानी का मौसम बेहद जहरीला हो जाता है। राज्य सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। पिछले वर्ष में दिल्ली में पटाखों पर बैन था। कोरोना वायरस आने के बाद से मास्क हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। मास्क ने कोरोना संक्रमण को काबू करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि कई बार मास्क की वजह से ऐसी फनी चीजें भी हो जाती है जो हमें गुदगुदाती है। ऐसा ही एक वाक्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी हो गया है। गहलोत ने एक मंदिर में दर्शन के दौरान मास्क को मुंह से हटाए बिना चरणामृत पीने लगे। हालांकि फिर उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने मास्क नीचे किया। ये वीडियो जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर का है, जहां 2 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन के लिए पहुंचे थे। 4 दिन पुराना वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। कई लोग इसे राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत का एक और चमत्कार कह रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को रामदेवरा स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदेव के मंदिर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने पुष्पाहार, पगड़ी पहनाकर और समाधि पर चादर चढ़ाकर पंचमेवा का भोग लगाया। मुख्यमंत्री जब दर्शन कर लौट रहे थे, तब परिसर में खड़े भक्तों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे गहलोत आगे बढ़े, नारों की आवाज और भी तेज होती गई। गहलोत भी मुस्कुराते रहे और लोगों के सामने हाथ हिलाते रहे। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।